नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। रीवा जिले में कोटेदार अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला लेकर ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ितों ने बताया कि हुजूर तहसील के साव ग्राम पंचायत के हरदी के बीपीएल कार्ड धारक हैं। पीड़ितों ने बताया कि नवंबर में कोटेदार सुशील अग्निहोत्री के द्वारा राशन वितरण के समय बायोमेट्रिक सत्यापन के पश्चात प्रिंटेड पर्ची नहीं दी गई, साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाले मुफ्त राशन का वितरण भी नहीं किया गया, जिसके लिए कोटेदार ने राशन न आने का हवाला दिया था। इतना ही नहीं, दिसंबर माह में देने के लिए कहा था, लेकिन अब देने में आनाकानी कर रहा है। कोटेदार 2-3 दिन कोटा खोलकर लापता हो जाता है, जिसके चलते बीपीएल कार्डधारी काफी परेशान है। बीपीएल कार्डधारियों ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर कोटेदार के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। आइए सुनाते हैं पीड़ितों ने क्या कहा। समस्या ये है कि कोटा महीने में 2 दिन खुलता है या 3 दिन, जबकि क्या कहते हैं अन्य जगहों पे देखा जाए, शहरी अंचल में देखा जाए तो क्या कहते हैं कोटे के खुलने का समय एक निर्धारित होता है, जिससे अपन कोई भी कहीं पे भी काम कर रहा है गरीब, उसके बाद आके अपना क्या कहते हैं गल्ला किसी भी दिन आके ले सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं केवल 2 दिन खोला जाता है, जिसमें काफ़ी भीड़ हो जाती है, और भीड़ होने के कारण बराबर क्या कहते हैं लोगों को धक्का मुक्की, और भीड़ में क्या कहते हैं गल्ला बराबर नहीं मिल पाता, लोगों को लगा रहता है जल्दी जल्दी मिले, इसी के चक्कर में क्या कहते हैं। और हमारे यहाँ पे जो पर्ची दी जाती है वो लिखित पर्ची दी जाती है, अंगूठा लगवा के निकाल के बस हो गया। तो इसलिए यहाँ पे चाहिए कि क्या कहते हैं डेली रोज क्या कहते हैं कोटा खुले, टाइम उसका निर्धारित हो, ताकि लोग अपना राशन समय से आके ले सके। और जो अभी पिछले महीने का क्या कहते हैं राशन नहीं मिला है लोगों को नवम्बर महीने का, है ना, वो भी वितरण होना चाहिए साथ में, और इस महीने का है ही। वहाँ का कोटेदार कौन है? सुशील अग्निहोत्री। ये कौन सा ग्राम है? साव। मेरी समस्या ये है कि पिछले माह नवंबर में कोटे में बड़ी समस्या कर दी कोटेदार, हमारे यहाँ कोटेदार सुशील अग्निहोत्री जी हैं, और ये क्या किए कि सब लोगों से अंगूठा लगवा लिए बायोमेट्रिक मशीन में, और उसके बाद जो पर्ची निकलती पर्ची निकाल कर नहीं दिए, और हाथ से पर्ची क्लिक करके सबको दे दी, और बोले कि जो गल्ला मिलता है ये वाला प्रधानमंत्री कल्याण योजना वाला फ्री वाला वो नहीं दे रहे हैं, उसके लिए बोले कि वो गल्ला नहीं आया है, और एक एक माह का जो पैसा में है पैसा वाला एक एक माह का दे रहे हैं, तो इसलिए हम लोग नहीं लेना चाहते हैं गल्ला। और हम शासन से हमारी मांग है नवंबर माह का पहले पूरा गल्ला दिलाया जाए, और उसके बाद इस माह का भी दिलाया जाए, यही हम लोगों की मांग है। मेरा नाम राम सुनील सुभाषाओं से। आज एक मुद्दा है, लगभग ये पूरे रीवा ज़िले का ही है, कि जहाँ ये राशन वितरण होता है तो जो कोटेदार होते हैं वो हमेशा अनियमितता करते हैं। आज का मामला है साव गांव का है, तो साव में सुनील अग्निहोत्री जी कोटेदार हैं, उन्होंने ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वाला वितरण हो रहा है उसमें इन्होंने बायोमेट्रिक अंगूठा लगवा लिया, और नवम्बर में बोले अभी आया नहीं है राशन, अगले महीने देंगे, और जब अगले महीने मांग रहे हैं तो कहते हैं कि मतलब आनाकानी कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, और अंगूठा लगा लिए हैं, पर्ची वगैरह भी नहीं दिए हैं। आपको क्या लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खाना पूर्ति क्या, ये सब गरीबों के नाम पे लूट मचाए हुए हैं, और क्या मतलब सरकारी राशन आएगा, और ये तो हम है ना, तो ये लगभग हर कई गाँव का ये शिकायत है, और ये कई बार शिकायत हो चुकी है, और इस सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। नाम बता दीजिए अपना। जेपी कुशवाहा, बिंद सब्जी उत्पादक किसान संघ। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें विराट 24 न्यूज़। धन्यवाद। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।